ये यहाँ का इतिहास है। अगर आप कभी भी आते तो इस बीच पे आगे काफ़ी ज़्यादा इससे दिक्कत होती है, ख़राब करता है जल्दी से जल्दी। देखा जाए तो मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है और काफ़ी फेमस भी है, प्लेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये रामेश्वरम। अगर आप साफ साफ लिखा हुआ है 1964 में जो साइकिल एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। गाइस आज हमारा छठा दिन है रामेश्वरम में और आज हम जा रहे हैं धनुषकोटी। तो धनुषकोटी के लिए हम निकल चुके हैं और हमने ऑटो बुक कर लिया है, ऑटो बुक करके जा रहे हैं धनुषकोटी। और जो रामेश्वरम से धनुषकोटी की दूरी है वो मात्र 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑटो वाले चार्ज लेते हैं वो नॉर्मल चार्ज जो होगा आपका 500 से 600 रुपये होगा, जो आपका पूरा धनुषकोटी का पूरा एरिया जो भी वहाँ के आसपास फेमस प्लेसेस है वो आपको पूरा घुमाएंगे। तो ये आप रास्ता देख सकते हैं आप कैसा है यहाँ का रास्ता। अभी हम रास्ते में हैं और बेहद करीब हैं धनुषकोटी के और बस पहुँचने ही वाले हैं। राम सेतु का सैटेलाइट में फोटो उसमें है, ब्लू कलर है ना। हाँ, वो पहले देखो फिर ये मंदिर जाओ, ठीक है। इसमें सेंटर में पानी में तैरने वाला पत्थर है। ये पत्थर राम पत्थर ऐसा देखो सो ऐसे नहीं मत छू, खाली खाली मत छू। बहुत हैवी पत्थर है ये तो, लेकिन तब भी पानी में तैर रहा है, वाकई में ये अद्भुत है। कितना पुराना है यार ये यार। 20 किलोमीटर के लंबे सफ़र के बाद मेरे को यहाँ पे पहली बार राम सेतु का जो पत्थर जो पानी में तैरता है वो मेरे को छूने का सौभाग्य हुआ। और उसमें भी एक कंडीशन ये थी कि आप अगर पैसा देते हो तो ही आपको छूने की अनुमति है। ये जो यहाँ के पंडित जी हैं उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि आपको कुछ दान करना होगा, तो जो भी है वो मैंने करा। काफ़ी अच्छा लगा और प्यास काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, हम निकल गए यहाँ से पानी की बोतल लेने। मेरी बात भाई, ठंडा ठंडा पानी मिल तो गया हमें बहुत टाइम बाद, लेकिन हम पियेंगे उसके बाद दर्शन करेंगे। भाई ये है पूरी हिस्ट्री यहाँ की, साफ साफ लिखा हुआ है 1964 में जो साइक्लोन आया था उसकी वजह से धनुषकोटी पूरा ख़त्म हो गया था। और ये सैटेलाइट व्यू है रामेश्वरम का, राम सेतु का पूरा एकदम दिखा रखा है भाई, कैसा ब्रिज है एक्चुअल में। पूरा शहर हुआ करता था, शहर के शहर उजड़ गए। यहाँ खाने की पूरी व्यवस्था है, आप खा सकते हैं। हमने जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें आइटम खाई जिसमें से एक ही है, देख लो यही है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लास्ट पॉइंट है धनुषकोटी का, तो वहाँ से राम सेतु और श्रीलंका भी दिखाई देता है। थोड़ा ही दूर यहाँ से श्रीलंका पड़ जाता है और अभी हम यहीं पर हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट है और दिन में ही यहाँ पे टूरिस्ट होते हैं और शाम होते ही यहाँ पे सन्नाटा छा जा सकता है। और यहाँ पे नेटवर्क का काफ़ी इशू है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आखिरी लैंड है इंडिया का, ठीक है, साउथ इंडिया का। और यहाँ से जो है ना राम सेतु स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये धनुषकोटी पे अभी हमें, और ये जो एरिया है ये बे ऑफ बंगाल है और उस साइड का जो एरिया है वो इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो वहाँ जो है ना पानी की जो लहरें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज रहती हैं, लेकिन बे ऑफ बंगाल में कम शांत रहती है। और आगे थोड़ा सा आगे मात्र 3 से 4 किलोमीटर आगे संगम है, तो वहाँ काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है बे ऑफ बंगाल का और इंडियन ओशियन का एक साथ मिलते हुए। तो वैसे इस एरिया को, पूरे एरिया को अगर देखा जाए तो मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है और काफ़ी फेमस एरिया है धनुषकोटी। आप देख सकते हैं कितना शांत एरिया है, अभी टूरिस्ट प्लेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये रामेश्वरम। तो अगर आप कभी आएँ तो एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पे। कहा जाता है कि 1964 से पहले यहाँ पे नाव चलती थी, यहाँ से श्रीलंका आप आराम से जा सकते थे, कोई इतना मतलब स्ट्रिक्टली कोई रूल रेगुलेशन वगैरह नहीं थे। और कई तमिल और आप जानते हैं वहाँ पे माइग्रेट कर चुके हैं और एक काफ़ी भीषण संघर्ष भी हुआ था लिट्टे के बीच में, ये हिस्ट्री में पढ़ाया भी जाता है, ठीक है।
तो यहाँ से श्रीलंका बेहद पास है, और यहाँ से आप अगर अच्छे तैराक है, जो वहाँ के लोकल बंदे थे उन्होंने मेरे को ये भी बताया, अगर आप अच्छे तैराक है तो आप तैरते तैरते भी आप यहाँ से श्रीलंका जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि ज़्यादा मतलब गहराई नहीं है समुंदर में, और आप पानी की लहरें आप देख सकते हैं कितनी तेज़ है, और यहाँ पे जो बीच पे है हमेशा अलर्ट पे रहता है क्योंकि उफान जो पानी का रहता है वो काफ़ी तेज़ रहता है, ठीक है, एक साइड से, बाकी एक साइड से नहीं रहता। बे ऑफ बंगाल की साइड एकदम शांत रहता है पानी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा घूमने के बाद हमने फ़ोटो शूट करा, वीडियो बनाया, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पूरा घूमने के बाद अब हम यहाँ से थोड़ा आगे यहाँ पे जो पुराना यहाँ का बंदरगाह था वहाँ जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा घूम लेते हैं, पूरा बीच आपको मैं दिखा देता हूँ। फुल मस्ती करी हमने वहाँ पर। समंदर के अंदर कैमरा लगा के वीडियो वगैरह बनाया और काफ़ी अच्छा लगा। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और शाम होने से पहले हम पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे ठंड थोड़ी फील होने लगती है, ठीक है। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं निकलते निकलते भी कितना यहाँ पर गाड़ियाँ का हजूम यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। और सबसे पहले हम निकलते हैं यहाँ के जो लोकल, जो यहाँ का पुराना बंदरगाह था, हम वहाँ जाएँगे, वहाँ घूमेंगे। तो अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है यहाँ से बंदरगाह की तरफ। गाइस ये है पुराना बंदरगाह, और अभी हम पुराने बंदरगाह पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पानी की लहर कितनी तेज़ है, और यहाँ पे जो पुराने टाइम पे यहाँ पे जो भी छोटे मोटे बोट थे वो यहाँ पे खड़ी होती थी, यहाँ पे सुविधा दी गई हुई है। गाइस मैं अभी धनुषकोटी में हूँ, और ये मैं आपको दिखा दूँ पुराना यहाँ का जो बोट था वो, ये उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, देख सकते हैं आप कितना लोहे में जो है लगा हुआ है, एकदम जो लोहा है इसका क्वालिटी एकदम पूरा ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा लोहे में जंग लगा हुआ है। यहाँ पे पहले जो शिप होते थे छोटे छोटे शिप, वो यहाँ पे खड़े होते थे, और अभी ये जो एरिया है पूरा शांत एरिया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मछुआरों की नाव भी है, ठीक है, यहाँ पर लोग मछली मारते हैं और बाकी बाद में यहाँ पर लोकल एरिया में उसकी सेल करते हैं। और यहाँ पे जो ये जब से रामेश्वरम के इस भाग में जब से जो प्राकृतिक आपदा आई थी तब से ही इस एरिया में जो है कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, और यहाँ की जो रोड भी है वो अभी करंटली लास्ट मेरे हिसाब से 6 से 7 साल हुआ है उसे अभी बने हुए। तो ये यहाँ का इतिहास है, अगर आप कभी भी आते तो इस बीच पे आके एकदम फ़ोटो शूट ज़रूर करें, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, समुंदर का किनारा कैसा होता है, पूरा जो पिलर है वो गला हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा पिलर गला हुआ है, पानी में नहीं है इसका, ठीक है। तो इतना पावर होता है इस समुंदर के पानी में, सॉल्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लोहे को काफ़ी ज़्यादा इससे दिक्कत होती है, ख़राब करता है जल्दी से जल्दी। अब यहाँ पे जो तीसरी जगह है घूमने वाली वो है जहाँ पे बिभीषण का राज सिंहासन हुआ था, तो अभी हम उसी के महल में जा रहे हैं जहाँ पर उनका राज सिंहासन हुआ था, और ये रास्ता है उनके
महल में जाने के लिए। तो ये रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है देखने में, आप देख सकते हैं कितना दोनों तरफ समुंदर और बीच में जो रास्ता है ये काफ़ी खूब काफ़ी बेहद अच्छा लग रहा है। और यहीं पे विभीषण जी का राशिघासन हुआ था और अभी हम वहाँ पे बस पहुँच ही गए। और ये यहाँ की एंट्री है, यहाँ से एंट्री होती है। 2000 गज में ये मंदिर होगा और ये सामने छोटी मोटी दुकान है, यहाँ पर नारियल पानी का लुफ्त ले रहे हैं लोग और हम भी ले रहे हैं। केरला वाला पानी, वाला केरला वाला पानी पिला, कितना ले रहे हो? एक एक ले लो यार, पैसा कौन देगा इसका? ये देगा ना, ऑनलाइन पेमेंट है। केरला वाला, केरला वाला, ये वाला केरला, ये वाला केरला, 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 अरे का, अरे का, हाँ केरला। एक 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 कितना कितना? अरे ये रहा ना बना, अच्छा वाला देना। लाइफ में पहली बार मैंने दो टाइप के यहाँ पे नारियल पानी का टेस्ट लिया, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ के आसपास लोकल टूर करने के बाद हम शाम होने से पहले हम यहाँ से रिटर्न हो गए अपने होटल के लिए। काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आया, जीवन में कभी एक बार आप ज़रूर आए यहाँ पे, बेहद अच्छा लगेगा। और काफ़ी अच्छा लगा इस टूर में।